शिकारा का ट्रेलर तो अच्छा लगा, लेकिन जो पंडितों पे गुजरी है वो वही जानते हैं, जो उस चीज़ को जीत चुके हैं वही इस चीज़ की मतलब अच्छी तरह से समझा पाएंगे। इसी के लिए विधु विनोद चोपड़ा जी ने जो मूवीज़ के लिए जो सोची है बहुत अच्छी पहल है। देखिए हर इंसान को अपनी अपनी जो बर्थ प्लेस होती है, जो उनको हर चीज़ उनके लिए लगाव होता है, जब उस चीज़ को हम छोड़ के जाना पड़ता है तो बहुत दुखद की बात होती है। जो उनके साथ गुजरी है वो तो बहुत ही बुरी तरह हुआ है। जिन्होंने अभी विधु विनोद चोपड़ा जी ने जो अभी उसको फिल्म मतलब फिल्म के ज़रिए दिखाना चाह रहे हैं लोगों को, बहुत अच्छी पहल है। स्टार कास्ट तो बहुत अच्छी है, अभी एक्टिंग तो अच्छी लगी है ट्रेलर में, अभी देखा जाए आगे। लड़की भी तो बहुत, और लड़के की आवाज़ में तो इतनी दम है, रियली सो नाइस। 4 काफ़ी इमोशनल ट्रेलर था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं एक्साइटेड भी हूँ ये मूवी देखने के लिए, क्योंकि हमेशा से हम कॉमेडी ड्रामा ऐसे मूवीज़ देखते आए, तो ये कुछ अलग मूवी था तो मैं देखना चाहूँगी। स्टारकास्ट मुझे एक चीज़ अच्छी लगी उनकी कि उन्होंने डेब्यू एक्टर्स को लिए हैं जो कि काफ़ी कुछ मैच भी कर रहे थे एज अ कश्मीरियन, तो मुझे अच्छे लगे। फिर डायरेक्शन के बारे में क्या बोलोगे, कैसा लगा विनोद चोपड़ा का डायरेक्शन? अभी तो खाली ट्रेलर देखा है, तो ट्रेलर के बेसिस से पे अगर मैं डिसाइड करूँ डायरेक्शन के बारे में तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ऐसे भी लगा होगा कि काफ़ी टफ था उनके लिए, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। ट्रेलर में तो मुझे काफ़ी इमोशनल लगा, वही मैंने जैसे कि पहले कहा कि मैं काफ़ी इमोशनल हो गई थी पहले ही देखकर ट्रेलर, तो ट्रेलर से ही पता चलता है कि पूरी मूवी भी इमोशनल में ही होगी। 4 शिकारा का जो ट्रेलर है काफ़ी इमोशनल ट्रेलर है। विधु विनोद चोपड़ा उन्होंने एक ट्रिब्यूट दिया उनके मदर को, और इस फिल्म में भी मतलब कि 90 के वक्त जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से मतलब निकाला गया था, तो वो एक इमोशनल कहानी है जो काफ़ी सालों से विधु विनोद चोपड़ा के जहन में था कि उस पर एक फ़िल्म बनानी है, और लगभग उनको काफ़ी साल लगे, मतलब 25 से 30 साल लगे इस कहानी को इन्होंने डेवलप करते करते। तो ये जो हालात थे उस वक्त के लोगों कश्मीरी पंडित को किस तरह से वहाँ से निकाला गया, और फिर रेफ्यूजी कैंप में किस तरह, और कितने बदतर हालात थे एक्चुअली, वो कहानी है। और आज की जो सिचुएशन है यू कैन से उससे काफ़ी हम थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते, लेकिन होप विधु विनोद जी ने कहा कि ये जो फिल्म है वो डेफिनेटली एक वेरी पॉजिटिव नोट से बनाया गया है, और ये चीज़ लोगों को जागरूकता लेकर आएगी लोगों में, और उनके जहन में डेफिनेटली एक फ़र्क पड़ेगा कि इस तरह की कोई भी नफरत की बात की जाती है नो तो इज़ ऑलवेज बैड फॉर ह्यूमैनिटी, कंट्री और द वर्ल्ड एट लार्ज। तो फिल्म इमोशनल है, काफ़ी अच्छी फिल्म है। नए चेहरे हैं आदिल और सादिया, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं, काफ़ी इनोसेंट लग रहे हैं। और विदुर जी ने जैसे कहा था कि मुझे इस फिल्म के लिए एक प्योर एक्सप्रेशन चाहिए था, तो वो डेफिनेटली इनमें दिखाई दिया जा रहा है। और उनकी जो लव स्टोरी है एक्चुअली वो इस माहौल में किस तरह से है, प्योर है, वो दिखाया जी। 3.5 काफ़ी अच्छा था, और कश्मीर की जो व्यूज़ थे और जो शॉट्स थे काफ़ी ब्यूटीफुल थे, और काफ़ी अलग सी लव स्टोरी लग रही है, तो देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है। बाकी जिस तरह से कश्मीर को दिखाया गया है, इतने दिनों बाद हम वापस कश्मीर को बड़े स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल था ट्रेलर में। और रेफ्यूजीज़ को 4,000 रेफ्यूजीज़ को भी दिखाया गया है ट्रेलर में, तो काफ़ी बड़ा काम होगा। तो डायरेक्टर स्टारकास्ट काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी नई है, सो बहुत ही ओरिजिनल सी फीलिंग आ रही है। इवन जो हीरोइन ने जो काम किया है, जो एक्ट्रेस ने, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है बिल्कुल, और वो कश्मीर से है भी जो बोला गया, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो देखते हैं।
ट्रेलर देख के ये लग रहा है कि काफ़ी इमोशनल मूवी भी ज़्यादा ही इमोशनल रहेगी, पर लव स्टोरी का एंगल भी दिया गया है तो देखते हैं, मतलब फील गुड भी होगी और इमोशनल भी होगी तो देखते हैं। 4 बहुत अच्छा। जैसे विधु जी ने यहाँ कहा कि जनरली जो कुछ घटनाएं घटी हुई होती है उसके ऊपर जब फिल्में बनाते हैं हमारे बॉलीवुड में कैसे करते हैं उसमें कुछ मसाला डालते हैं, तो विधु जी ने यहाँ पे क्लियर किया कि इसमें कुछ मसाला नहीं डाला। दिस फिल्म इज हैज़ बीन डेडिकेटेड टू हिज ओन मदर, तो ये उनकी अपनी पर्सनल कहानी है और एक टचिंग कहानी है। जैसे उन्होंने कहा ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हो सकता है क्या, तो नहीं, उन्होंने हमेशा ही ऐसा कहा है कि मैं हमेशा जोड़ने की बात करता हूँ ना कि तोड़ने की। तो एक कमाल की फिल्म होगी जैसे लग रहा है ट्रेलर से। तो अब देखिए जब भी माँ की बात आती है तो हम सभी इमोशनल हो जाते हैं। स्टारकास्ट के बारे में क्या बोलोगे? स्टारकास्ट ये दोनों जो लड़के लड़की नए कमाल के दिख रहे हैं, और पर्दे पे तो कमाल का दिख रहा है, अभी फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, पर जो कुछ देखा उसमें तो बहुत ही ब्रिलियंट लग रहा है। विधु जी अगर आप देखोगे तो विधु जी ने इतनी सारी फिल्में बनाई, विधु जी वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ इंडिया, उनकी परिंदा आज तक देखो, 1942 लव स्टोरी देखो, कोई भी फिल्म उनकी एक कमाल की होती है। तो ये भी फिल्म और ये उनके हर्ट से करीब है और 30 साल उन्होंने इन पिक्चर के पीछे लगाए, तो बहुत अच्छी फिल्म होगी। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? मैं तो 5 में से 3 स्टार तो ज़रूर दूंगा।